वेरी गुड मॉर्निंग. आज तक अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं. इसके बाद हम एक मशीन लर्निंग से रिलेटेड एक सीरीज आगे करने जा रहे हैं जो बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस पर बेस्ड होगी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सो ये वीडियो में हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन बायस एंड वेरियंस. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो तीन इंपॉर्टेंट तरीके की एरर्स हमें मिलती हैं. दे आर कॉल्ड बायस एरर, वेरियंस एरर और इररिड्यूसिबल एरर. इसमें से इररिड्यूसिबल एरर एक ऐसी एरर है जो नॉर्मली रिड्यूस नहीं की जा सकती है, तो इसको हम नॉर्मली कवरअप नहीं करते हैं. हम ये मान के चलते हैं कि कुछ ऐसी एरर होती है, नोबडी इज 100% परफेक्ट, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ही होगी, तो इस पर्टिकुलर एरर को हम हटा देते हैं. अब फिर आप बचते हैं बायस एरर और वेरियंस एरर. तो पहले हमको ये समझना जरूरी है कि बायस एरर और वेरियंस एरर क्या होती है, राइट? तो जो बायस हैं वो बेसिकली वो एरर्स हैं जो किसी मॉडल में हमारे अजम्पशंस की वजह से आते हैं. मींस हम ये अज्यूम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है वो कुछ डिफरेंट होता है. As you can see in this diagram, ये हमारा linear regression का एक model है, जिसमें particularly हमारा जो actual value आनी चाहिए थी, वो इस curve के basis पे आनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारा result आया, वो एक straight line आई है. तो हमारा जो assumption है, वो हमारे actual target से different है. तो इस case में जो error आएगी, that will be called bias error. Okay? तो यहाँ पर जो particular है, हम जो कह सकते हैं कि bias हमारा high है. ओके तो जो नॉर्मली हाई बायस होता है, हाई बायस की वजह से एक प्रॉब्लम मशीन लर्निंग में आती है, दैट इज कॉल्ड अंडरफिटिंग. अंडरफिटिंग वो सिचुएशन है जिसमें हम मशीन को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से वो हमारे एक्चुअल जो टारगेट है उस पर फिट नहीं बैठ पाता, राइट? तो दिस इज बेसिकली बायस एरर. ऑन द अदर हैंड जब हम वेरियंस एरर की बात करते हैं, तो वेरियंस एरर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम इस एल्गोरिथम, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इस तरीके की एरर्स को देखते हैं. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अगेन वही हमारे पास अजम्पशंस हैं. हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है वो बहुत अच्छी तरीके से फिट है. यू कैन सी कि हम पर्टिकुलरली पूरी पूरी जगह पे हम कम्प्लीटली गेट कर रहे हैं. हमारा जो डिस्टेंस है जो हमने एज्यूम किया है और जो हमारा एक्चुअल है, उनके बीच में डिस्टेंसेस बिल्कुल जीरो है. ओके, तो दैट मीन्स बायस इज वेरी लो इन दिस केस, लेकिन वेरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम इसे एक्चुअल आउटपुट के साथ देखते हैं तो यहाँ पर काफी डिफरेंस आता है. ओके, जब हम रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई करते हैं या टेस्टिंग डेटा के साथ अप्लाई करते हैं, तो वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाता. तो इस वजह से जो एरर आती है, दैट इज कॉल्ड ओवर फिटिंग. यानी हमने ट्रेनिंग डेटा में इतना ज्यादा उसको फिट कर दिया कि वो जब रियल लाइफ में उसको कॉम्पिटिशन करना था तो वहां पर वो कर ही नहीं पाया. ओके, तो वो ओवरफिट हो गया उस केस में. तो अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग दोनों ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं. किसी भी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का मेन गोल क्या है? लो बायस और लो वेरियंस, राइट? अगर हमारा मॉडल बहुत सिंपल है और बहुत कम पैरामीटर्स के साथ है, तो हाई बायस की प्रॉब्लम होगी और लो वेरियंस होगा. अगर हमारे मॉडल में लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो जाते हैं, तो उसमें हाई वेरियंस और लो बायस होगा. यानी कहीं ना कहीं हम सिचुएशन में ऐसे फंस रहे हैं कि या तो बायस हाई हो जा रहा है या वेरियंस हाई हो जा रहा है, राइट? तो उस केस में हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये कि हम एक गुड बैलेंस लेकर चलें, जिससे ओवरफिटिंग भी ना हो और अंडरफिटिंग भी ना हो. ये बेसिकली बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ है, राइट? तो बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ का मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हमारा जो एल्गो हो, जो हमारा प्रोग्राम हो, वो एक राइट या गुड बैलेंस के साथ हो. अब क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं. तो कुछ पर्टिकुलर वेज हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं. ये पूरे नहीं हो सकते, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है आउट ऑफ दीज, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, जिसमें हम मल्टीपल डायमेंशंस को रिड्यूस करके कम करते हैं. रेगुलराइजेशन यूज कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन में या न्यूरल नेटवर्क में. हम मिक्सचर मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा मॉडल्स को आपस में मिक्स करके हम उसको टफ ट्रेन कर सकते हैं. और अगर हम लाइक के नियरेस्ट नेबरहुड एल्गो को यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम के की एक ऑप्टिमल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो डायमेंशनल रिडक्शन, रेगुलराइजेशन यूजिंग मिक्सचर मॉडल, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के इन के एन एन, दीज आर बेसिकली सम वे बाय विच वी कैन बेसिकली गेट द राइट वे और बैलेंस्ड वे टू रिड्यूस द एरर. और हम कह सकते हैं कि बायस और वेरियंस का जो ट्रेड ऑफ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं.
सो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या है और उसको हम किस तरीके से किन किन वेज से सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।